हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेआर मंत्रा। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से अपनी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स बना सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे बनाना है। गाइस, इसमें देखिए आपका क्या होगा, कौशल आधारित सूक्ष्म पाठ योजना तथा विस्तृत पाठ योजना का निर्माण आप किस तरीके से करते हैं, इस पर ये फाइल है आपकी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण अवधारणा से लेकर पुनर्वलन कौशल तक, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से फाइल है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। और चलिए हम आगे देख लेते हैं पाठ योजना का अर्थ। यहाँ से आप देखेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है, पाठ योजना का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, क्योंकि बीएड में आपका लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी लेसन प्लान को आप जो बनाते हैं, पाठ योजना मीन्स पाठ को पढ़ाने के लिए जो योजना बनाते हैं, वही आपकी पाठ योजना होती है। तो ये आप पहले से बना के रखते हैं ताकि बच्चों को आप किस तरीके से क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, उनको क्या पुनर्वलन देंगे, क्या श्याम पाठ सारांश देंगे, किस तरीके से आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे, ये सब आप पहले से ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहले से आप योजना बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं पाठ योजना। तो यहाँ पर देखिए परिभाषाएं हैं, जैसे देखिए शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है, उनके आलेख को ही पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से परिभाषा देनी है और आपको अर्थ लिखना है। और यहाँ पर देखिए पाठ योजना संबंधी आवश्यक बातें जो होती हैं वो आपको इस तरीके से लिखना होगा। इसके बाद जो पाठ योजना की विशेषताएं होती हैं वो भी आपको लिखना होगा यहाँ पर। और आप आगे देख रहे हैं पाठ योजना के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, क्या एम्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपको इसमें लिखना होगा। इसके बाद पाठ योजना के लाभ को आपको लिखना होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर क्या लाभ होता है पाठ योजना का। इसके बाद आपको पाठ योजना की प्रणालियाँ लिखनी होंगी, पाठ योजना के विभिन्न पद लिखने होंगे। आपको ये इस तरीके से लिखना होगा अपने लेसन प्लान को बनाने के पहले कि पाठ योजना क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और आप आगे इसके बाद देख लीजिए आपका पाठ योजना, ठीक है, पाठ योजना नंबर होंगे यहाँ पर। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक होगा, उस जिस टॉपिक पे आप विस्तृत पाठ योजना बना रहे होंगे, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। इसमें आप देख लीजिए इस तरीके से आप बनाएंगे। गाइज, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। इसमें मैं पीडीएफ के साथ लेकर आऊंगी, मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक। आप डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बहुत जल्दीबाजी में बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, इसमें मैं आपको फुल डिटेल में बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप ऐसे देख लीजिए इसमें, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखिए क्या होता है, आपका पाठ योजना नंबर होता है, इसके बाद विद्यालय का नाम होता है, आपका जो भी विद्यालय का नाम होगा आप लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम आप फिल कर लेंगे। देन आप इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे, मीन्स टॉपिक जो होगा आपका। इसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य होगा, विशिष्ट उद्देश्य होगा। गाइज, ये संस्कृत में लिखा है क्योंकि ये संस्कृत की फाइल है। इसके बाद सहायक सामग्री क्या होती है, पूर्व ज्ञान क्या होता है, प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने सारे वीडियोस में बताए हैं कि आप प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न देखिए गाइज, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आता है उसी से आप दूसरा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। जैसे हम सब कब सोते हैं, तो यहाँ पर देखिए रात में, अभी जो रात में शब्द है, ठीक है, आप इसको उठा के दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो आपका क्वेश्चन होगा रात में सोकर उठने के बाद हम क्या करते हैं। अब आपका आंसर क्या आएगा, बच्चे आंसर देंगे नहाकर खाना खाते हैं। अब आप ये उठाकर फिर क्वेश्चन पूछेंगे खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर विद्यालय जाते हैं। इसके बाद विद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ये आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं दूसरा बिल्कुल रिलेटेड ना कर रहा हो, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से रिलेटेड
करने हैं, ठीक। तो ऐसे आपके प्रस्तावना के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथनम, मीन्स उद्देश्य कथन जो आपका यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, आप उसे यहाँ पर उद्देश्य कथन में कह देंगे। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आप संकेत देंगे, मीन्स जो भी आप अपने पैराग्राफ को पढ़ा रहे होंगे वो आप यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका ऐसे होगा, बच्चे अनुकरण करेंगे, यहाँ पर आप पहले उसको पढ़ के बता देंगे पूरा पैराग्राफ, इसके बाद बच्चे उसको खुद से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। इसके बाद आपका ये जो है ये ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, बच्चे उसे समझ सके कि क्या उसकी मीनिंग होगी, कैसे उसका उच्चारण होगा, ठीक। इसके बाद आपका भावार्थ होगा, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर आपका बोध प्रश्न होगा, मीन्स जो आपने एक्सप्लेन किया है उसी में से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के बाद आपका एक शिक्षण बिंदु मीन्स एक टीचिंग पॉइंट यहाँ तक एंड होता है, ठीक। नेक्स्ट में आप फिर से दूसरा पैराग्राफ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप पैराग्राफ ले लिए, इसके बाद आप इसको रीड करेंगे, देन यहाँ पर आप बच्चे इसका अनुकरण करेंगे, फिर आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ जो भी होगा वो आप लिख देंगे, फिर आपका भावार्थ होगा, उसके बाद जो आप एक्सप्लेन किए होंगे फिर से आपका बोध प्रश्न होगा, ठीक। तो दूसरा चित्र बिंदु यहाँ तक एंड होता है गाइस। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि लेसन प्लान किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, जो बच्चे नहीं बता पाए। अब आप क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ को पढ़ा रहे होंगे उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका एक शिक्षण बिंदु यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर दूसरे शिक्षण बिंदु में आप फिर से उस पैराग्राफ को, दूसरे वाले पैराग्राफ को इंडिकेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसमें से फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक एंड हो जाएगा आपका दूसरा वाला भी। अब आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाएंगे। अभी तक आपने जितना भी रीड किया है मीन्स एक्सप्लेनेशन पहले और एक्सप्लेनेशन दूसरे में, तो अब आप उसमें से कुछ दो से तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। फिर आपका आता है गृह कार्य, आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे और यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान एंड हो जाएगा, ठीक। इसी फॉर्मेट पे गाइस सारे आपके विषय, सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स बनेंगे। फिर आप देख रहे हैं आगे इसमें रक्षाबंधन पे है, ठीक। इसके बाद आपका आगे है चित्रपाठा पे है, तो ये आपका पांचवा लेसन प्लान है। तो इस तरीके से आपके ये लेसन प्लान्स बनेंगे और आप देख लीजिए यहाँ पर आके आपका एंड होता है, यहाँ पे आपका आके गाइस एंड होता है, ठीक। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि मैंने बहुत जल्दी में बता दिया है, वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, आप ये राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी इसमें आपको मैं पीडीएफ के साथ बताऊँगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये लेसन प्लान कैसे बनाने हैं या फिर ये आपको पूरी फाइल कैसे बनानी है, ठीक है गाइस। ये मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूँगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फ़ाइल नहीं बन रही है, आपको मैं ये पूरा प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो ये देखिए आपका हो गया फाइल आज का, ये वीडियो कंप्लीट हो गया गाइस, और नेक्स्ट वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगी मैं इसे पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है गाइस। क्योंकि ये मैंने आपको हाफ फाइल मैंने आपको एक वीडियो में और हाफ फाइल मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता दी है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ मैं इसे पीडीएफ के साथ बताऊंगी, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अगर आप अभी तक लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हुई हो, ये फॉर्मेट समझने के लिए हेल्पफुल हुई हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे पीडीएफ के साथ अपलोड कर दूंगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।